हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं राहु केतु के ट्रांजिट होने की, जो कि 1 दिसंबर को हो रहा है। कोई लगन वाइज करेगा, कोई राशि वाइज करेगा, कोई चमत्कारिक रूप से करेगा, कोई चमत्कार टोटकों के रूप से करेगा। तो मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। मेरी पकड़ क्या है कि हमारे पास किसी का होरोस्कोप नहीं है, तो काल पुरुष की कुंडली में वो 6th हाउस में आ रहा है। केतु और राहु कहाँ आ रहा है? 12th हाउस में आ रहा है। किस के घर में आ रहा है, कौन से चरण में, किस नक्षत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जन्म की कुंडली की बात नहीं करूँगी, ये क्या प्लैनेट कहाँ चेंज हो रहा है, ऊपर जोडिक बेल्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता किसका कौन सा प्लैनेट है वहाँ पर। अब ये आपको समझना है कि राहु कैसे चलता है। राहु के भी 4 चरण हैं। राहु 4, 3, 2, 1 ऐसे चलता है। सारे प्लैनेट कैसे चलते हैं? 1, 2, 3, 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राहु कैसे चलता है? चल रहा है रेवती नक्षत्र में 4th चरण पर। तो उसका चेंज है 1 दिसंबर को, कोई रेवती में एग्जैक्ट आ जाएगा, चरण नहीं बदलेगा अपना। अब राहु वाटर साइन में कहीं भी अच्छा नहीं है। वायु राशि में अच्छा, अर्थ राशि में अच्छा है, वाटर और फायर में बिल्कुल अच्छा नहीं। आप देख लो, मेष में आते हैं तो वॉर होगी रशिया में, ये घरों में अच्छा नहीं होता, एम्पलीफायर कर देता है हर चीज़ को। राहु जहाँ जाता है ना, उस चीज़ का डंका बजा देता है। राहु केतु दोनों वाइस एंड वर्सा। केतु तुला में क्या गया है, इतने ब्रेकअप्स हुए हैं, मतलब अगर मुझे 18 मंथ में कॉल आए हैं, मैडम ब्रेकअप हो गया, सिक्स ईयर से रिलेशनशिप में थे, 4 ईयर से, 5 ईयर से, मैडम भैया प्लैनेट आए अपना काम करे बगैर नहीं जाएगा। अब देखना है कि बेल्ट में वो कहाँ रहा है, तो हम काल पुरुष की कुंडली पर चलेंगे। किसी की कुंडली हमारे पास है नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता ये लोग कैसे बता देते हैं, इसलिए बहुत कट टू कट चलती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे किसी को एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सिखानी है। यहाँ कौन सा एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर अपलोड हो रहे हैं, उसके लिए अलग हैं एस्ट्रोलॉजर्स। मुझे सिर्फ आम पब्लिक को आम भाषा में समझाना है, जो उनके समझ में आ जाए। अब चल रहा है, और राहु जहाँ जाता है पूरे 18 ईयर ना उसी की बात होती है। और राहु केतु का डिस्पोजिटर एक जगह हो जाए, बोल दे राजयोग है। राहु का डिस्पोजिटर अगर राहु के साथ आ जाए, और केतु का राहु के साथ, राहु का केतु के साथ, ये सारे राजयोग के कारण। लेकिन कहाँ है, 12th हाउस में राजयोग देगा क्या? मारेगा उल्टा आपको। शुक्र मंगल ही सबसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। राहु केतु के डिस्पोजिटर सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो वही हैं दोनों। शुक्र मंगल की युति किसी के घर में भी आ जाए, सुखी नहीं है। अब सुख ना वो ले लेंगे, मैडम पति को तो नहीं कुछ होने वाले, बच्चों को तो नहीं। अरे सुख की डेफिनेशन ये है कि पैसे से मटेरियल चीज़ें आती हैं, सुख नहीं खरीद सकते। आंसू खरीद सकते हो, हंसी खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो, सुख की डेफिनेशन को सीखो। अब यहाँ पर आ रहा है वो 6th हाउस में केतु, यानी कन्या में, और 12th हाउस में जा रहा है रेवती में। अभी जहाँ राहु चल रहा है वो रेवती का 4th चरण है। 30 अक्टूबर को ट्रांजिट हुआ है। तो अब जो वो मोक्ष की बात करेगा, आप देखो सडनली सारी ऐप बन गई है एस्ट्रोलॉजी की, निकल निकल के आ रहे हैं सारे, ज्ञान के घर में जा रहा है वो। भला ही वाटर साइन है लेकिन है गुरु का घर। आज राहु केतु कहाँ चल रहे हैं, 30 अक्टूबर को राहु आया है 4th चरण में रेवती नक्षत्र के, और 1 जनवरी को 3rd चरण में आएगा, यानी 4th चरण में गया रेवती में। अभी पाइसिस में ट्रांजिट नहीं हुआ, चरण बदला उसने। इंसान मोक्ष जाता है, अब यहाँ मोक्ष तो कोई नहीं जाता, मोक्ष कहीं वो वाला मोक्ष, आध्यात्मिक मोक्ष मत समझ लेना आप लोग। मेष उसका शरीर है, वो अपनी डिज़ायर से, परेशानी से मोक्ष माना जाता है। मोक्ष की डेफिनेशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। आज मटीरियल वर्ल्ड में आके किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, बातें रह गई हैं बस। तो अब अगर एग्जैक्ट अगर जा रहा है, अपना चरण बदलेगा 1 जनवरी को 3rd चरण में, तो सबसे पहले तंगी किस चीज़ की आने वाली है? हमने पहले गुरुदेव को लेना है और वहाँ के कारक तत्व को लेना है। 11 का फल कौन देने वाले, शनि कुंभ में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शनि कहाँ आ रहे हैं, राहु के पीछे आ गए, कर्म और कर्म फल, लॉन्जिविटी, आयु। कारक तत्व कौन है 12th हाउस के, शनि हैं। अब जिसके घर में गुरु, किन घरों के मालिक हैं, 2 घरों के वो मालिक हैं, 9th और 12th के मालिक हैं वो। 5 के कारक तत्व है, 2nd, 5th, 9th, 10th और 11th। अब ये सारे घर जाएंगे, डंका इन्हीं का बजेगा, इन्हीं 5 प्रॉब्लम्स का ही बजेगा।
लेकिन बताएगा कौन? बताने में तो सबको डर लगता है। यहाँ पर उपाय कर लो, रेमेडी कर लो। राजयोग होने वाला, 3 राशियों पर धन वर्षा होने वाली है, ये 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला, बस यही मैं तो सुनती हूँ। और तो इसके अलावा किसी ने आज तक कुछ अपलोड नहीं करा। जो हटके कंटेंट भी अपलोड कर ले तो आप लोगों के कान कहाँ हैं कि सुन ही लें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि पहुँच जाए सच। अब आएगी केतु की बारी। केतु अभी कहाँ चल रहा है? चित्रा नक्षत्र के 2nd चरण में। मैं हमेशा बताती हूँ चित्रा नक्षत्र मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो चित्रा रिलेशनशिप का नक्षत्र है। चित्रा इज ए चित्रांगदा डॉटर ऑफ शुक्राचार्य, मतलब रिलेशनशिप में ही सबसे ज़्यादा परेशानी है। इसलिए मैं चित्रा घनिष्ठा और कर्क लगन की मिलाती ही नहीं। खैर, मैचिंग ही छोड़ दी मैंने तो। अब क्या है, अब वो हस्त में आएगा और 6th हाउस में आ रहा केतु। सबसे पहले क्या है, 7 से 6 पति पत्नी दोनों का मेष लगन अगर है तो 6 यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। राहु केतु जहाँ जाएंगे, अब ये सुख है। अगर पति की कुंडली से देखें पत्नी का, अरे पति की कुंडली से देखें तो पति का, क्योंकि केतु को सेपरेट कराना आता है। सबसे ज़्यादा इरिटेशन रहेगी क्योंकि मरकरी के घर में है। इस पर डिस्पोजिटर कौन हो रहे हैं? गुरु और बुध। दृष्टि संबंध है इन दोनों का। अगर जिस दिन गुरु बुध की दृष्टि संबंध बनी, बहुत इंटेलिजेंट होगा बच्चा, यानी ज्ञान के थ्रू पैसा कमाएगा। क्या एक प्लैनेट के ऊपर हम ये बात थोप सकते हैं? नहीं। हमको 120 साल की महादशा दी गई है, उसमें हमारी आयु कितनी है? एवरेज मान के चलते 70। उसमें कितने प्लैनेट देने आ रहे हैं, कितने नक्षत्र देने आ रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन निकाल के तब आप किसी को बोलो कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है। ऐसे जस्ट मत बोलो आप लोग। अब पैसा 2 जगह पर जाएगा। सबसे पहले एक रिलेशनशिप से हटेगा, अब सीधा जाएगा पति पत्नी के रिश्तों में। उसके बाद मेन आएगा प्रॉब्लम, इरिटेशन। मरकरी को बहुत इरिटेशन होती केतु को देखकर, क्योंकि मरकरी तो कहता मुझे नीचे जाना है और प्यार करना है, फ्लर्ट करना है, ये करना है, लेकिन केतु जहाँ जाता है कहता रुक जा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अब 6th हाउस किसकी रिस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पर अगर तूने इस चीज़ पर चला तो मैं तेरे पर कोर्ट केस डाल दूँगा। सबसे पहले कारक तत्व को लेना है, यहाँ के कारक तत्व भी शनि है, यानी देखा जाए 6 और 12 में आ रहे हैं तो 6 और 12 के कारक तत्व शनि हैं, और शनि इस समय सही नहीं आएंगे क्योंकि राहु के पीछे आ जाएंगे, और जो पीछे आएगा उनको पता खाना है। ये है थ्योरी, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं। वही प्लैनेट, इतना दिग्गज प्लैनेट अगर चेंज हो रहा है, घर दाव पर लग जाते हैं। लेकिन नहीं, किसी ने ये बात नहीं सोचनी। अभी पाइसिस के घर गए ना, अभी देख लो कितनी एस्ट्रो ऐप्स बन गई, कितना कुछ हो गया, सबको अब याद आ रहे हैं हमको एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, पेड़ चीज़ें चल रही हैं। मैं तो ये सब देखती रहती हूँ कि प्रभु क्या इनका तो हाल करेगा। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, आप लोग डिजर्व करते हो, ये होना भी चाहिए, कार्मिक अकाउंट है भाई। 6th हाउस क्या है? प्रारब्ध है। दान पुण्य यज्ञ हवन, इनसे संचित और क्रियामान को तो काटा जा सकता, प्रारब्ध को खुद ही काटना। और प्रारब्ध तो मास्टर डिग्री ली हुई है इंडिया ने, तो यहाँ बोलना ही बेकार है। यहाँ पर सच की हमेशा बुराई होती है, सच का हमेशा तिरस्कार हुआ है। इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं और जस्ट ऐसी लगन को ही देख के प्रिडिक्शन कर देंगे। एक एस्ट्रोलॉजर है, वो तो देखेंगे कि कौन से भाव में क्या प्लैनेट है, वहाँ से प्रिडिक्शन कर देंगे। नक्षत्र देखो भैया, सामने वाले की ये समस्या है नहीं कि आप कैसे देखते हो, सामने वाले को तो अपना आंसर चाहिए। मैं तो ये अपलोड करूँगी, आपको समझ कुछ भी नहीं आना, इसलिए बताया कि पॉइंट कहाँ आना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। 12th हाउस, 6th हाउस, कोर्ट कचहरी, तलाक, बीमारी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन प्रॉब्लम। गुरु एजुकेशन के बारे में, पैसा जितना मर्जी कमा लोगे राहु खा जाएगा, पीछे ही तो शनि आ गए। अब कुछ अगर आपको दिख रहा है, मैं उसको भी अच्छा बोलती हूँ, चलो भी आ तो रहा ही है। अब अगर देखा जाए पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट, अगर 12th हाउस में राहु आ जाता है, जो अकल्ट साइंस से गलत पैसा कमा कर दूसरों को झूठ बोलता है, उसको ये दोष लगता है। किसमें? सिर्फ ये अकल्ट साइंस के ऊपर बोला गया है। अगर 12th और 6th में राहु है तो, जो पिछले जन्म में क्या हो गया, 1st से वो 12th हाउस हो गया, पिछला जन्म आपका, पिछले जन्म में जो आपने करा उसका दंड आपको मिलने वाला है। डिपेंड ऑन चरण है, चरण की पकड़ बना के रखनी है।
और खा चरण पर चौथे चरण पर रिसर्च है, बाकी चरण मैंने छोड़ दिए। 3, 2, 1, तो यानी जब वो एक पर एंट्री मारता ना, मेरी तब पकड़ बनी है, 8 महीने रह जाते हैं, ये चौथा चरण हो गया उसके लिए। चौथा चरण वो वाला नहीं हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ उल्टा चलना है। जब राहु से धर्म की बात करी जाएगी तो राहु नहीं धर्म पर चल सकता, बहुत मुश्किल है एक डेविल के लिए धर्म पर चलना, तो बड़ी डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। इस तरह आपने इन चीज़ों को समझना है, और जब भी कोई दिग्गज प्लैनेट चेंज होता है, अब आएगा कर्मफल निकल के। अब कमर कस लो, क्योंकि राहु क्या है, मंथन है कर्मों का, इसीलिए डिस्पोजिटर कर्म पर है, ना होते हुए राजयोग होता है उसका। किसके थ्रू मिलेगा, ये कार्मिक अकाउंट पर है। और आज का कर्म भोगने के लिए किससे निकालेगा, 5th हाउस से, बच्चे से, तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है। और कोई ये मत समझिए मैं आपको डरा रही हूँ या मेरे को कोई प्रूव करना है, ऐसा शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। बस ये है कि दुनिया अच्छा सुनने के लिए आई है। मैं कह चलो सारे एस्ट्रोलॉजर इतना अच्छा बोलते, बीच में कोई नेगेटिव भी बोलने वाला होना चाहिए, सच बोलने वाला भी होना चाहिए। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, सिर्फ अब 12 क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नहीं लेनी तो जहाँ से फ्री की मिल रही है वहाँ से आप ले लो। आप लोगों तक आपका सच पहुँचना चाहिए, और सच भी तभी पहुँचेगा जब आपका कर्म बनेगा। जब तक कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, आप किसी अच्छे से जुड़ भी नहीं सकते, ये पहली लाइन है। इसलिए भले ही चैनल को करो ना करो सब्सक्राइब, दंड तो मिलना ही है भैया, उसके लिए अपनी अपनी ये तैयार कर लो, रेडी कर लो। मैं हर किसी को ना रेडी करके रखती हूँ, ये होने वाला ना, अब ये होगा, ये वाला काम करके रखो। तो वो घबराया वो फ़ोन करेगा, मैं क्या पहले ही बता रखा है ना, 18 मंथ तो से पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, आप याद दिला दो मुझे फ़ोन कब करना है, उस डेट पर सारा कुछ पता हो। इसलिए मेरे क्लाइंट्स कभी नहीं घबराते, उनको पता मैडम ने पहले बता के रखा हुआ है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या करना है। अब तो मैं 30 साल बाद की प्रेडिक्शन भी पहले बता के चलती हूँ, कल सांस रहे ना रहे कोरोना में यही लगा मुझे, क्योंकि मैं एक्सीडेंट का रोक के चलती थी, 17.5 साल बाद योग बनेगा, अभी क्या बताने की जरूरत है। मैं तो वो भी बता देती हूँ भैया, अब इसके बाद मैं एनालाइज़ नहीं करती, मतलब एक ही बार कुंडली देखती हूँ, दोबारा मैं देखती नहीं, मेरे पास नहीं आना, मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला इसमें। ये बात है विश्वास की, भाई अगर आपका कोई नसीब और भाग्य बदल सकता है वहाँ जाइए, तो वो चमत्कारिक रूप से बदल जाए, मेरे को भी बता देना, बाकी मैं तो सारा क्राउड ही वहाँ भेज दूँ, भगवान सब खुश से रहें, सुखी से रहें। तो इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ।